रोटी हमारे पास है, शुक्र है ज्यादा है। और ये देखें दाना थोड़ा सा रह गया है, ये ना लेके आना पड़ेगा, ये मैं कल ले आऊंगा क्योंकि आजकल मैं बिजी होता हूँ तो इस वजह से थोड़ा लेट व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, माजरत आपसे। बस ये रोटी डाल देते हैं जल्दी से और ये दाना डाल देते हैं अभी। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? तो गाइस आपसे यही बात करनी थी मैंने कल के लिए, सॉरी क्योंकि मैं काफ़ी ना मतलब एक तरह से गुस्सा आ रहा था अपनी हरकतों पे, इस वजह से मैं गुस्से में बोल पड़ा। और ये है कि बार बार अजीब सा फील हो रहा था कि यार ये मैंने अपने हाथों से क्या कर दिया। मैंने बस वीडियो बनाने के लिए उसको ऊपर उछाला है, मैंने कहा नीचे ही आएगा वो, लेकिन वो बेचारा उस तरफ चला गया यार। वो उधर ही बिल्ला बैठा हुआ था छुप के, क्या करता मैं अब यार, मेरा कसूर तो नहीं है, सारे मेरे ऊपर बोल रहे थे, इस वजह से टेंशन हो गई थी काफ़ी। ये देखो ये पागल के काम इसने क्या किया जी, अपने हाथों से उसे बेचारे के मौत के मुंह में डाल दिया। तो यही कहना पड़ रहा था कि भाई मैं क्या करूं, मतलब मैं क्यों चाहूंगा ऐसे कि अपने कबूतरों को करूं यार मैं। बस जी यहाँ कबूतर फिर रहे थे और वो बैठा हुआ था इधर ताड़ में इस दीवार के परली तरफ। अब मुझे क्या पता था यार वो इधर बैठा होगा, थोड़ा सा बस सोच लेता मैं कि यार इधर भी चेक कर लेता हूँ कि खुदा ना वास्ता उड़ के जब मैं यूं उड़ाया है तो वो उड़ के इधर ना चले जाए, ये ना हो कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे हो, वही हुआ। मैंने सोचा कि जी उसको उड़ाऊंगा, ऐसे उड़ाऊंगा तो यहाँ से ही नीचे आएगा, क्योंकि आपको बताया था आपने देखा भी था कि यहाँ फिर रहे थे वो उसके बाकी अम्मा अब्बा उनके और बाकी पार्टनर ना उनके पिजन्स के यहीं फिर रहे थे। अब वो साहब जी वो उड़ा उड़ के वो ऐसे होके उस तरफ चला गया दीवार के उधर, क्या करता यार मैं, कैसे बचाता फिर। जैसे ही मैं भागू आपके सामने ही है, जैसे ही भागो मैंने देखा उसके मुंह में था वो बिल्ले के मुंह में, और वो फौरन लेके भाग गया नीचे। अब नीचे घर बने हुए हैं, हम साए हैं हमारे, वो फिर ओके हो गए थे कि भाई हमारे घरों में क्यों झांक रहे हो, मैं क्या करता, लेकिन आवाजें दी हैं उसके बाद, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, मतलब कोई था ही नहीं, सारे काम पे होते हैं ना ये, इस वजह से वो लेके भाग गया। जब मैंने देखा उसको खून भी निकल रहा था। अब तो भाई डर लगने लग गया है कि पिजन्स के अलावा वो रैबिट्स पे ही ना हमला कर दें यार बिल्ला। ये देखें ये जगह है, यहाँ वो बैठा होता है, इधर भी मैंने उस दिन देखा कि यार यहाँ तो नहीं बैठा हुआ, और यहाँ पे जो टैंकी पड़ी हुई है ना इसके पीछे, मैंने कहा शायद यहाँ हो, यहाँ भी देखा यहाँ भी नहीं था वो, और बैठा हुआ कहाँ था, बस छत पे था ही नहीं जहाँ बैठा हुआ होता है, दीवार के पीछे ताड़ में बैठा हुआ था यार वो। अचानक से उसने हमला कर दिया यार, जैसे ही वो कबूतर वहां गया, कबूतर के काम भी देखो वो उसने उसी के पास जाके जब मार दी यार, कमाल है। बस यार जो चीज़ प्यारी होती है वही हाथ से चली जाती है। पहले भी तीन बच्चे थे, तीनों के तीनों इसलिए ही बच्चे के दाने निकलाते थे, मच्छर काट लेते थे, वो इस वजह से बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे ही मर जाते थे। और अब ये माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया था, कोई बीमारी कोई कुछ नहीं था, इसको बिल्ला ले गया यार उठा के। चलें कोई नहीं, जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, आगे अल्लाह बेहतरी करे। ये तिक्कू और ये हमटी डमटी वगैरह को मैंने खोल लिया है, और वो साहिबा वहीं मौजूद हैं जहाँ मैंने आपको बताया है, वो उधर ही कोई मट्टी में गंद में पता नहीं क्या क्या ढूंढती रहती है। ये देखना जरा, ये देखें हल्की हल्की मट्टी पड़ी है ना, ये देखें ये घूम रही हो, चलो उधर भाग भागी। इनको डालते हैं ये रोटी, ये जरा नरम हो गई होगी ना, सख्त होती है ना, इस वजह से मैं पानी में पहले ना थोड़ी देर डबो के रखता हूँ ताकि ये ना वो हो जाए नरम। देखें वो सामने मैंने रोटी इनको डाल दी है और इस पर अटैक कर रहा था भाई, हमारा जो डमटी है ना इस पर अटैक कर रहा था, इसमें से खाया जा रहा था बाउल में से। ऐसे मैं करता हूँ कि पिजन्स को ना अंदर ही डाल देता हूँ, क्योंकि आपको अभी बताया यार डर लगता है पिजन्स को खोलते हुए, जब दो तीन बंदे होंगे ना, मतलब कोई कजन आया वो होगा, अजान है वो आएगा उसके साथ ही मिलके खोला करूंगा, लेकिन वो आता ही नहीं, अकेले ही सारा कुछ करना पड़ रहा होता है, इस वजह से टेंशन होती है ना। ये देखें यार बेचारे दो रह गए, ये अम्मा अब्बा ही रह गए, बेटा बेचारा चला गया इनका, यार माफ़ कर देना यार मुझे, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। ये देखें बाकी ये माशाल्लाह सही एक्टिव हैं, अब इनको मैं डाल देता हूँ दाना, अंदर ही डाल देता हूँ, चलो भाई दाना खाओ, ये लो ये खाओ दाना, ऐश करो भाई। ये देखें अंदर ही दाना डाल दिया मैंने इनको, अब ना है ना इनको बंद कर देता हूँ यार, चलो भाई अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह हमारी ये वाली जो बड़ी वाली गैंग है ना, इन्होंने ख़त्म कर लिया रोटी, और ये साहबजादी भी अब आई है उठ के, जब एंड चल रहा है, एंड हो ही गया बल्कि एंड के चल रहा है। चलें और डाल देता हूँ जल्दी से ताकि सुकून से पेट भर के खा लें। आ जाओ भाई दोबारा खा लो, अटैक कर दो अटैक, ये लो आ जाओ भाई, ये ले इसमें से खाइयो, रुक उधर डाल दें तो इसमें से ना खाइयो, बता रहा हूँ बार बार, रुक ये ले, ये लो भाई अटैक कर दो अटैक। खाओ खाओ पेट भर के खाओ, इतना कहना खाना इनको नहीं देता, ख्याल करता हूँ तुम्हारा। भाई ये देखें
ये जो एक शैतान सामने बैठा हुआ है दीवार पे आपको नजर आ रहा होगा, ये कौवा पता है आपने व्लॉग शायद पिछला देखा हो, अगर अगर नहीं देखा तो देख लें, चैनल विजिट करें आपको पता चल जाएगा। इसने बड़ा तंग किया था, दो थे ये पता नहीं, दोनों मियां बीवी थे, इतना तंग किया आपको पता है ना, यहाँ मैंने अंडा रखा हुआ था वो बार बार अटैक कर रहे थे अंडे के ऊपर, इतना इनको पसंद है कौवों को अंडे। अभी ना ऐसे करते हैं जल्दी से ना, हमारी मुन्नी ने अंडा दिया है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। हाँ भाई दिया हुआ है, वो देखें वो पड़ा अंडा दिया हुआ भाई, माशाल्लाह दिया हुआ अंडा, रेगुलर दे रही है अंडा, बस इसका जब दिल करता है ना तब नहीं देती, पता नहीं क्या भाई क्या है, ऊपर क्यों चढ़ा, चल नीचे भाग, चल 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 देखता है ना, फिर ये बार बार चार पाई पे चढ़ने लग जाता है, हमारा जो टिक्का है ना ये। हाँ भाई खा लिया सुकून से, जब मैं कर रहा हूँ व्लॉग को एंड, यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर और कमेंट कर देना, अच्छे अच्छे और लाजमी सब्सक्राइब करना है चैनल को, मिलेंगे इंशाल्लाह कल अगले व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।